उपसंभाग परिवहन विभाग ने वाहनों पर बकाया धनराशि में नियमानुसार छूट प्रदान करते हुए लक्ष्य प्राप्ति में सफलता प्राप्त की है। इसी क्रम में उपसंभाग परिवहन विभाग ने राजस्व प्राप्ति में पिछले माह की तुलना में इस बार 25% तथा पिछले वर्ष की तुलना में फरवरी 2024 तक 12% की बढ़ोतरी करते हुए लक्ष्य के सापेक्ष 90% की वसूली में लगभग 7 करोड़ की बकाया वसूली की है, जिसमें आरसी के 305 मामलों में से 184 मामलों में 1,17,864 रुपए वसूला गया है। इसके साथ ही नोटिस के 5,459 मामलों में 7,55,54,296 रुपए बकाया वसूला है, जिसमें कोविड के दौरान या आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को राहत देते हुए टैक्स की पेनल्टी में छूट प्रदान करते हुए टैक्स जमा किया जा रहा है। लगातार बकायेदारों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिसको देखते हुए इस तरह की व्यवस्था की गई है। फिलहाल जो राजस्व के क्षेत्र में जो हल्द्वानी क्षेत्र का उपसंभाग का है, तो कुल राजस्व प्राप्तियों में मासिक के हिसाब से हम अगर चलें तो पिछले साल इस माह में जितनी धनराशि प्राप्त हुई थी उससे 25% बढ़ के आई है, और एनुअल में अगर चलें तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर अब तक, यानी कि फाइनेंशियल जो मंथ हमारा गया है फरवरी का, तो फरवरी तक हमने इसमें लगभग 12% की बढ़ोतरी कर रखी है एनुअल में। और जहाँ तक आप बकाया की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि लक्ष्य के सापेक्ष हम लोग अभी तक लगभग 90% की वसूली कर चुके हैं, और बकाया में इस फाइनेंशियल ईयर में 1/4/2023 से लेकर अब तक बकाया जो धनराशि वसूली गई है वो 6,93,01,962 रुपये की है। तो लगभग 7 करोड़ के करीब हम लोगों ने अब तक बकाया से वसूली कर ली है, जिसमें कि कुल जो आरसी भेजी जाती है, आरसी भेजी गई है वो 305 मामले भेजे गए हैं आरसी के। उस 305 मामलों में 184 मामलों में हम लोगों ने लगभग 1,17,12,864 रुपये वसूला गया है, और जो 5,459 मामले हैं ये हैं नोटिस के मामले, तो इनसे हम लोगों ने अब तक लगभग 7,54,55,55,296 रुपये वसूला है। तो कुल इसमें अच्छी खासी हमारी बढ़ोतरी हुई है बकाया राजस्व की वसूली में, और इसमें हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि अधिकतर जो कोविड से लेकर अभी तक के जो मामले आए हैं और जो भी टैक्स लायबिलिटी वाले जो मामले बनते हैं उसमें हम अधिक से अधिक जो हमें अधिकार प्राप्त है पेनाल्टी में, तो पेनाल्टी में हम वाजिब कारणों की वजह से उस व्यक्ति को हम छूट दे देते हैं, जिसकी वजह से वो आराम से फिर हमारे ऑफिस में वो टैक्स जमा कर देता है। जैसे कि कभी मामले ऐसे आते हैं कि जिसमें टैक्स 50,000 का बन गया लेकिन 20-22,000 या 25,000 उसका पेनल्टी अगर पड़ जाती है, तो वो अगर पैसे का इंतजाम नहीं कर पाता है तो उसमें हम 1x75% तक की पेनल्टी, up to 75% की पेनल्टी, किसी को 25%, किसी को 50%, किसी को 60%, और मैक्सिमम हम 75% की पेनल्टी दे देते हैं, जिससे कि वो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स अपना जमा कर पाए, और उससे हमारी एक तो टैक्स लायबिलिटी भी कम होती है, टैक्स भी जमा करते हैं लोग, और जो हमारे ऊपर जो बकाया की धनराशि है, जो कहीं ना कहीं आप बकाया जब हम सिस्टम में जाके चेक करते हैं तो पिछला महीना जाते ही जिसके ऊपर अगर 500 रुपये भी टैक्स अगर है वो भी बकाया की श्रेणी में आ जाता है। तो बकाया की श्रेणी में अगर हम टोटल मामले देखें तो ये मामले प्रत्येक महीने हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन उसके सापेक्ष भी हम लोगों ने 7 करोड़ के करीब वसूली की है, तो ये भी एक अच्छा पहलू है। बाकी हम लगातार आरआरसी पर और नोटिस पर ध्यान दे रहे हैं, और हम लोग इसकी बकायदे अपने इन्फोर्समेंट दलों के साथ कोऑर्डिनेशन करके और तहसील वाइज हम इसकी ट्रैकिंग करके अब इनका अपडेट लेते रहते हैं कि किन्होंने वहाँ पे जो भू राजस्व की तरह वसूली होनी थी उनकी हो चुकी है, जिनकी नहीं हुई है। इन्फोर्समेंट सेक्शन को भी वो सारी लिस्ट देते हैं कि जिससे इन्फोर्समेंट के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा ये बकाया वाले गाड़ियाँ पकड़ी जा सकें और बाकी तहसील के समन्वय से उनसे ज़्यादा से ज़्यादा वसूली हो सके।